You know what? Even summers are beautiful if you're at the right place at the right time. And this is the right place. This is Konkan. वैसे पिछले एक साल में दो साइक्लोन्स ने कोंकण को बहुत डैमेज किया है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती वैसे की वैसी है। चलिए मेरे साथ प्यारे से कोंकण के इस खुशनुमा सफर पर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टोरी ये है कि एक दिन नीलेश सर का मुझे कॉल आया। कुंदन, एक्चुअली क्या था ना, मेरा एक दोस्त का प्रॉपर्टी है कोंकण में है, ये लॉकडाउन के चलते वहाँ पे फिलहाल कोई केयरटेकर नहीं है, और ये साइक्लोन का भी कुछ डैमेज हुआ है वहाँ पे करके सुनने में आया। तो कैन यू विजिट देयर, क्योंकि जो ओनर है ना वो मेरा दोस्त है और उसको वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करना है। तो अगर तू साथ में चलेगा तो तेरा तो एग्रीकल्चर वाला भी कुछ दिमाग काम में आएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा परमिशंस वगैरह जो है वो सब हो जाएगी, वो मेरा दोस्त ले लेगा परमिशंस। बस फिर क्या, ये बात सुनने के बाद मैं चल पड़ा अपना बैग उठा के। मई को रात को 11 बजे के करीब नीलेश सर ने मुझे पिकअप किया और शुरू हुई इस कोंकण ट्रिप की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वन सेकंड टू आवर चैनल। यू वाचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। वेल, अभी बजे है रात के ऑलमोस्ट 2:30 ऑन 22 मई 2021। और अभी कहाँ पे है मालूम है? पुणे क्रॉस करके कहीं पे रुके हैं, पुणे और सातारा के बीच में। एग्जैक्ट प्लेस तो पता नहीं है मुझे, आई थिंक ये खंबाट की घाट जो स्टार्ट होता है ना उससे पहले रुके हैं अभी। बाय द वे, अभी अभी मुझे पता चला येस्टरडे 21 मई वॉज इंटरनेशनल टी डे, मतलब ऐसा कोई डे होता है ये भी पता नहीं था मुझे, अभी पता चला है। तो आपको भी बिलेटेड हैप्पी इंटरनेशनल टी डे, चाय पी के सेलिब्रेट करेंगे ख़त्म होने के बाद। सो बेसिकली वी आर गोइंग टूवर्ड्स कोंकण। आचरा एक विलेज है मालवण के आसपास कहीं पे, वहाँ पे जाना है। अभी कितने बजे पहुँचेंगे तो अभी पता नहीं है, पूरी रात अभी गाड़ी में ही गुजारनी है। इतने टाइम से मैं ड्राइव कर रहा था, अभी नीलेश सर शायद बैठेंगे ड्राइव करने के लिए। से अभी बड़ा लंबा सफर काटना था, सो मैंने और नीलेश सर ने टर्न बाय टर्न ड्राइव किया और ओवरनाइट ड्राइव करके हम कोल्हापुर क्रॉस कर गए। बट द रियल ट्रीट वाज स्टिल टू बी अनकवर्ड। रात ट्रैवल करने के बाद सुबह जब ऐसी जगह पे आते वक्त होती है, देयर इज नो अदर फीलिंग लाइक दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल। वाओ, मई महीना चल रहा है एंड लुक एट द क्लाउड्स, सो अमेजिंग। बाय द वे, कल रात से आपको सिर्फ नीलेश सर पता है हमारे साथ है, बिकॉज बाकी दो लोग ना गाड़ी में सोए हुए थे। अभी इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले दिस इज कंचन मैम, पहली बार काउंटिंग किलोमीटर्स पे, एंड इन्हीं के प्रॉपर्टी पे हम जा रहे हैं अभी, जो हाँ ना हाँ एक्चुअली ना किसी को पता नहीं है किधर जा रहे हैं, सिर्फ इनको पता है। ये बोलिए कि इस तक जगह पे जाना है बस, और जहाँ पे जाना है वहाँ पे शायद ये भी कभी गई नहीं है। सो ये पूरा सरप्राइज ट्रिप है, और ये दूसरा सरप्राइज आइटम। बाकी इंट्रोडक्शन चाहिए प्रकाश का?
तो होता था नहीं, इंट्रोडक्शन चाहिए तो पुराने वाले वीडियोस देखो, सोनगिरी वाला वीडियो देखो, कातलदार वाला वीडियो देखो, उसमें प्रकाश का अच्छा खासा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आपको। आपले स्वागत आहे कोकणात। इट्स फील सो गुड टू ट्रैवल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। इट्स अमेजिंग एंड दिस प्लेस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। ये है कोंकण, दुनिया के सबसे हसीन और खूबसूरत लैंडस्केप में से एक। यहाँ के पहाड़ों में एक अनोखी धुन है, यहाँ के रास्तों में प्यारी नज़ाकत है, यहाँ के लोगों में ढेर सारा अपनापन है, और यहाँ के समंदर में हंसते हुए जीने का जज्बा है। दो घंटे बाद अराउंड 10 o'clock वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड देन, अरे रुको भाई, रात भर ड्राइविंग किया है, थोड़ा आराम तो करने दो। It's 4 o'clock इन द इवनिंग एंड लुक एट दिस प्लेस, क्या जगह है ये। एक्चुअली यहाँ पहुँचने के बाद हम सभी थके हुए थे रात भर ड्राइव करके, सो वी सिंपली हेडेड टू आवर रूम और जाके सब लोग सो गए। फिर उठने के बाद लंच वगैरह सब करने के बाद अभी शाम को 4 बजे इस जगह का फील लेने के लिए मैं बाहर निकला हूँ। और सच में यार, क्या फील है इस जगह का, क्या वाइब है, क्या पीस है यहाँ पे। दिस इज अमेजिंग। बाय द वे लेट मी टेल यू, दिस प्लेस इज गोल्डन वैली होम स्टे। यहाँ पे आचरा जो टाउन है वहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर पे है ये। सो दिस इज एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होम स्टे रिसोर्ट, पिछले 5-6 सालों में ये डेवलप किया हुआ है। एंड बेटर देन मी टेलिंग यू अबाउट दिस प्लेस, लेट्स जस्ट टेक अ टूर। और उसके बाद हम यहीं पे नज़दीक में एक सी शोर पे चलेंगे आज का सनसेट एंजॉय करने के लिए। ये नारियल के पेड़, मैंग्रोव्स के बीच छुपे हुए बैकवाटर्स, ब्लू स्काइज और यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर, ये है कोकण। यहाँ आके आपको डेस्टिनेशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ हर कदम पर चारों ओर नजारे ही नजारे हैं। छोटी सी नदी के किनारे पता नहीं मैं कितनी देर बैठा था, बिकॉज व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम हियर इट वाज ऑलरेडी 6 PM एंड वी हैड टू रश फॉर रीचिंग इन टाइम फॉर सनसेट। बस कुछ किलोमीटर्स की ड्राइव एंड वी रीच द सनसेट पॉइंट नियर बाय। दिस इज व्हाट पीस मीन्स टू मी। The sound of these waves takes me to a world within myself, a world where I interact with myself. This was the end of day 1 of this trip to Konkan. Milte hain kal subah.